तो गाइस अब कुछ ही स्ट्रीम पहले मैं ले रहा था गिल्ड टेस्ट यहाँ पे 1v5 और 1v1 का, तो मैंने सोचा क्यों ना वियतनाम के प्लेयर ने 1v5 चैंपियनशिप यहाँ पे जीती है। अच्छा। और वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड में एक्यूरेट और मूवमेंट स्पीड उनकी कमाल की आपको दिखेगी। अच्छा। तो फिर मैंने क्या सोचा कि वियतनाम के प्लेयर का वर्सेस कराते हैं, और जैसे ही मैं उसको रूम में लेके आया लग्जरी का कदुई नाम का यहाँ पे प्लेयर था, तो भाई मैंने देखा कि अपोनेंट में आ चुके हमारे 3 PC प्लेयर अपने इंडिया सर्वर से। और देखते देखते जब मैच यहाँ पे स्टार्ट किया उनका, तो भाई पहला जो वियतनाम का प्लेयर था वो 7-0 से फिनिश कर दिया। ये बिल्कुल सबके लिए शॉकिंग था कि भाई वियतनाम के प्लेयर मरते मरते भी 4-5 राउंड निकाल लेते हैं अनलिमिटेड में। जलवा है हमारा। बट अपोनेंट्स इतने ओवर पावर और उनमें 3 PC प्लेयर जो मौका ही नहीं दे रहे थे इवन मोबाइल प्लेयर्स को उसको मारने का, और 7-1 से वो बंदा हार जाता है। अरे। उसके बाद हम लोगों ने तूफान को ट्राई किया उन्हीं अपोनेंट के साथ में, वो भी एक तरफा गेम जाता है। सैड इमोजी। तूफान का भी आप लोग बताए कि क्या मूवमेंट स्पीड और क्या ही एक्यूरेसी है। हाँ। फिर हम लोगों ने खतरी का भी किया, तो खतरी भी 1v5 में वहां पे 3 ही राउंड निकाल पाया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया स्मूथ का, और माना जाता है कि भाई स्मूथ हर एक सिचुएशन में से गेम निकाल लेता है। हाँ। स्मूथ का मैच बिल्कुल यहाँ पे देखने लायक था, और स्मूथ भी 7-5 से हार जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो उनमें से 2 PC प्लेयर को ज्यादा खतरनाक खेल रहे थे, एक का नाम था रेंजेक्स और एक का नाम था यहाँ पे नेक्स्टर लाइव। रेंजेक्स का तो हम लोगों ने स्ट्रीम पे आप लोगों के टेस्टिंग वहां पे करा दी थी, वो भी हर गेम में 4-5 फिनिश निकाल रहा था। तो रेंजेक्स के साथ क्या स्कैम हुआ है, किस NG प्लेयर ने स्कैम किया वो आप लोगों को पता होगा, कमेंट करके बता देना बाकी सबको भी। ओके। अब बारी आती है एक और प्लेयर है उसमें नेक्सर, जिसने स्मूथ के सामने 4 फिनिश निकाले थे, 4 राउंड मारा था, और हर बंदा बोल रहा था चैट में कि भाई इस बंदे का तो आप लोग टेस्ट ले लीजिए। बड़े स्ट्रीम पे इतने सारे मैचेस थे तो हम लोग टेस्ट नहीं ले पाए, और ये बंदा ऑलरेडी TSG PC के लाइनअप से टूर्नामेंट्स भी खेला हुआ है। वाओ। तो आज हम लोग उसी प्लेयर से यहाँ पे मिलने वाले हैं और देखते हैं, उसी की टेस्टिंग करने वाले हैं कि देखते हैं क्या वो 1v4 खेलना चाहता है, 1v1 खेलना चाहता है, क्या वो यहाँ पे खेलना चाहता है। भाई स्मूथ के सामने 4 राउंड मारा है, तो कुछ तो बात यहाँ पे प्लेयर में होगी। तो चलिए मिलते हैं उस प्लेयर से। चलो भाई। तो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं गेम में, और मैंने उस बंदे को रेडी होने के लिए बोला है, वो बंदा ऑनलाइन भी है। क्या बात है, क्या बात है। करते हैं बात आखिर इस बंदे से किस तरीके से ये खतरनाक जबरदस्त हम लोगों को यहाँ पे नजर आता है। धन्यवाद। तो भाई नेक्सर हमारे सामने आ चुका है, और गाइस मैं पहले बता देता हूँ क्या कि ये जो प्लेयर है वो NGBD वाला नेक्सर नहीं है, ये अपने इंडियन सर्वर से है यहाँ पे। तो गाइस इस बंदे ने निकाले थे स्मूथ के सामने 4 राउंड, तो भाई कैसा फील हो रहा था स्मूथ के सामने खेल के, क्योंकि वो मैच बिल्कुल देखने लायक था, कुछ अलग ही लेवल खेल रहा था स्मूथ भी, मजा आया। अरे हाँ भाई, स्मूथ भाई तो हमारा भी इंस्पिरेशन है। और भाई बहुत मुश्किल था भाई, टफ। फिर भी यार तुमने 4 बार वहाँ पे फिनिश किया है, 4 बार अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो तो एक बार अकाउंट और देख लेते हैं भाई, 71 लेवल है, 25,000 से ज्यादा लाइक है, हेरोइक यहाँ पे रैंक है, और CS की बात की जाए तो 64 मैचेस खेले। KD भी 2 से ज्यादा का, हेडशॉट रेट भी काफी सही है, और कस्टम में हेडशॉट रेट 83 है यहाँ पे। तो नेक्सर भाई और बताओ यार, PC वगैरह पे कितना टाइम हो चुका है तुम्हें, और क्या तुम प्रीफर करते हो खेलना? अप्रोक्सीमेट 7 मंथ प्लस हो चुका है PC पर। वाओ। तो पहले मोबाइल पे खेलते थे? हाँ। तो PC कैसा है तुम्हारा, मतलब एवरेज है, बहुत अच्छा है, या फिर बिल्कुल बेकार है, कैसा है? सुनो, मिड एंड है, मतलब अच्छा चल जाता है, मतलब गेम चल जाता है, गेम में कोई दिक्कत नहीं आता। क्या बात है जी। और तुमने अभी अगर हम लोग, एक और चीज मैंने नोटिस की है वो है कि नेक्सर की बात की जाए तो रिसेंटली भाई एक और यूट्यूबर की गिल्ड का टेस्ट पास किया है इस बंदे ने, आदि टक की गिल्ड का टेस्ट पास किया, और अभी उसी गिल्ड में बंदा नल्ला गैंग में। इधर कैसे कैसे पहुंचे, मतलब बड़ी बड़ी गिल्ड में यार जाना मुश्किल है ना, टेस्ट वगैरह पास करने पड़ते हैं। हाँ ब्रो, वो आदि भाई लाइव कर रहे थे तो मैं गया और 1v4 निकाल दिया, मार दिया गंदा बिल्कुल। हाँ। क्या बात है यार, खतरनाक टैगर्ट से। चलो तो बताओ क्या करवाया जाए तुम्हारा, पहले 1v4 कराया जाए, 1v1 करा जाए? पहले तो आप 1v4 करा दो। अच्छा ठीक है यार, 1v4 में करा दूं। और वैसे आप क्या खेलते हो नॉर्मली, लिमिटेड खेलते हो, अनलिमिटेड? लिमिटेड लिमिटेड। ठीक है। अच्छा वैसे 2v6 1v6 ये प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते, लिमिटेड खेलते हो? हाँ हाँ, ये जस्ट अभी किया। तो आपका कोई चैनल वगैरह है? नेक्सर लाइव नाम से चैनल है, सेम है। चलो एक बार चैनल चेक आउट कर लेते हैं यहाँ पे नेक्सर का। चलो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्सर के चैनल पे, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट भी कर लिए इस बंदे ने, अब देखते हैं कितना डिजर्विंग रहेगा।
और बात की जाए तो भाई शॉर्ट्स भी बंदे ने डाले, वीडियोस भी, और शायद इसने यहाँ पे वो क्लिप यहाँ पे डाल रखी है जो आदि टेक की गिल्ड में इसने एंट्री मारी थी 1v4 यहाँ पे खेल के। बट हम की वीडियोस चेक करते हैं, ठीक है, ये लेटेस्ट वीडियो डाली है, लेट्स गो। भाई मेरा कल एग्जाम फेल हो गया, ओके बहुत मारूंगा नेक्स्ट कसम। अरे बहुत सही, अरे स्टोरी ग्लू लगा, ग्लू के जल्दी ऊपर आ, अरे रुक मेरा नेट गया, नेट गया मेरा, ये मेरे को ऐसे ही लग रहा है। अगर तुम देखोगे ना सामने भी टीएसजी के प्लेयर, टीएसजी पीसी स्क्वाड का प्लेयर था ये बंदा पहले, अभी आदि टेक की भाई। डीगल तो यार अच्छी मार रहा है बंदा, कनेक्शन अच्छे मार रहा है यार, बहुत अच्छी कनेक्ट कर रहा है। अरे बढ़िया बैक कर दिया, हट यार मेरे को लग रहा है ना गाइज, अगर देखा जाए जैसे लिमिटेड का हम लोग गेम प्ले यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है भाई का, तो 1v1 1v4 कैसे खेलेगा वो देखना पड़ेगा अब यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा स्टाइल यहाँ पे चेंज है, वो मिक्स नहीं नजर आ रहा है जैसे हम लोगों को प्लेयर ढूंढते हैं ना, हम लोग मिलता है तूफान का हो गया, स्मूथ का हो गया यहाँ पे, बट क्या पता भाई बादल की तरह ये बंदा गंदा ही यहाँ पे मारे। तो चलिए एक और वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं भाई की, aimbot.exe, और भाई इसमें भी स्टार्टिंग में भाई एनआईम, कौन सा एनआईम है यार बताना गाइज आप लोग, लग रहा है मेरे को भी देखनी स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई, एनआईम के फैन तो खतरनाक ही मिल रहे हैं। अरे ये क्या दो बंदे मारे क्या, अबे तीन बंदे एक साथ आ गए बे, अरे भाई बहुत सही, तीन नौ, मेरे को लगा चौथा भी आने वाला है भाई। चलिए तो गेम हम लोगों ने देख लिया है भाई, गेम का जो स्टाइल है वही है यहाँ पे लिमिटेड, बट लेट्स सी भाई अब किस तरीके से बंदा 1v4 या 1v1 खेलेगा, एक बार पूछते हैं और फिर चलते हैं सीधा मैच की तरफ। और गाइस पहला राउंड था केप टाउन का, और भाई ने UMP डेजर्ट ईगल और M1887 ली थी, मूवमेंट स्पीड भी काफी अच्छी लग रही थी, और देखते देखते भाई UMP से बैक टू बैक दो प्लेयर को नोक भी किया, ओनली रेड भी लगा के, बट उसके बाद गन यहाँ पे रिलोड पे आई और स्पाइस का हेडशॉट पड़ता हुआ राउंड के लास्ट में। अगले राउंड में भी नेक्सन ने यहाँ पे ट्राई जरूर किया, बट आशु पंडित का बहुत ही जबरदस्त हेडशॉट वन टैप यहाँ पे आता हुआ, और थर्ड राउंड में मेरे को लग ही रहा था कि यहाँ पे कमबैक आने वाला है नेक्सन का अब, और दो प्लेयर को उन्होंने वहां पे नॉक भी किया था उस राउंड में, बट तीसरे प्लेयर को भी नॉक कर दिया था, बट एट दी एंड एक छोटी सी गलती वहां पे कर दी, घर के अंदर रह के हील करना था और कम एचपी पे घर से बाहर निकले और अपोनेंट ने वहां पे बॉडी शॉट से फिनिश किया थर्ड राउंड में। और गाइस देखते देखते लग रहा था कि अब कमबैक आएगा, बट एक के बाद एक राउंड यहां पे उनके फेवर में नहीं जाते हुए, और बाकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ राउंड में भी यहां पे कुछ इसी तरीके से अपोनेंट यहां पे हेडशॉट लगा के फिनिश करते हुए नेक्सर को, और अब बारी थी यहां पे 1v1 की, क्योंकि 1v4 में सिर्फ पांच ही फिनिश कर पाए थे, कि लेट्स सी क्या पता 1v1 में कुछ धमाका यहां पे कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं 1v1 के मैच की तरफ, और जो अपोनेंट होने वाला है सामने एंग्री। तो गाइस आ चुके हैं 1v1 में, 1v4 में आप लोगों ने देखा ही कुछ ज्यादा धमाका यहां पे नहीं रहा है, अब देखते हैं एंग्री के अगेंस्ट ये बंदा किस तरीके से खेलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए गाइस मैच यहां पे स्टार्ट हो चुका है नेक्सर आगे बढ़ते हुए, और एक तरफ होने वाले हैं अपने यहां पे एंग्री,
तो देखना पड़ेगा। 1v4 में यार माना जाता है कि यार चार प्लेयर हैं सामने, और वैसे भी हम लोगों ने डिस्कॉर्ड से बंदे बुलाए थे, वो आप लोगों ने देखा ही होगा, बट अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट 1v1 में वो भी एंग्री के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं। यहाँ पे चलिए हेडशॉट पड़ा जरूर है, पर एंग्री आप लोगों वैसे भी पता है कि भाई आईफोन 13 में अब ये बंदा आ चुका है, तो लेट्स सी आईफोन 13 में किस तरीके से खेलेगा। कमाल यार, छोटा सा हेडशॉट हमें देखने के लिए मिला जरूर एंग्री की तरफ से, नेक्सर की तरफ से भी एक छोटा सा हेडशॉट। यहाँ पे फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है और मोबाइल पीसी भी है, एंग्री खेल रहे हैं यहाँ पे मोबाइल में और नेक्सर यहाँ पे पीसी में, पर जो शुरुआत यहाँ पे की एंग्री ने वो बहुत ही कमाल। चल गए, बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ, क्या कमबैक ये प्लेयर यहाँ पे कर पाएगा। ओके, इस बार यूएमटी के साथ है यहाँ पे नेक्सर, बाकी जो है तो आलोक कैली के दोनों साथ है, बट मेडकिट वाला एक और करेक्टर लेके आए हैं मैक्सिम, तो उससे कोई इशू वाली बात यहाँ पे है नहीं। इतना पड़ेगा गाइस किस तरीके से ये वी बैच खेल के प्लेयर, और क्या बात है यहाँ पे, ये यार ये तो गंदा मार दिया बंदे ने। चले गाइस थर्ड राउंड यहाँ पे आ चुका है और मिल का ये राउंड यहाँ पे रहने वाला है, और नेक्सर की तरफ से भी अच्छा कमबैक देखने के लिए मिला। कमबैक बोलते ही बंदे ने यहाँ पे डेजर्ट ईगल से कमबैक लगाया, और हम लोगों ने देखा है कि डीगल से बंदा अच्छा खेलता है, मोंटेजेस में भी अच्छा देखा है, जिसके चैनल पे हम लोगों ने मोंटेज देखी है। देखना पड़ेगा डीगल, चलिए ओके जोन बिल्कुल लास्ट जोन अब यहां पे बन चुका है। ओहो, बट लास्ट में ये चमचमाता हेडशॉट एंग्री का, और लीड में अब यहां पे आ चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे इस एक और राउंड की तरफ, 2-1 एक बार फिर से एंग्री लीड पे, बट ये क्या डेजर्ट ईगल लाना यहां पे भूल गए नेक्सा, और क्या ये गलती तो नहीं थी, उसी का फायदा उठाते हुए देखा तो भाई एंग्री ने भी अपना चांस इस बार मिस नहीं किया बिल्कुल भी। बढ़ेंगे एक और राउंड की तरफ, और गेम की अगर आप लोगों नोट करने वाली बात रहेगी तो गाइस 6 राउंड थे ये, यानी कि जो भी पहले 6 राउंड जीत जाएगा वहीं पे मैच फिनिश हो जाएगा। बट एंग्री ये क्या भाई, इस बार दो हम लोगों को एंग्री के बॉडी देखने के लिए मिले करेंगे, और एंग्री अंदर से बाहर की तरफ आ चुके हैं। अब चले फिर से दूर दूर से अभी फाइट चल रही है, क्लोज इन, कौन सा प्लेयर करेगा रश किया यहाँ पे, और एंग्री एक और राउंड यहाँ पे निकालते हुए 4-1 यहाँ पे इसको। चलिए पीक का ये राउंड यहाँ पे आ चुका है, और भाई नेक्सर को लिटरली कमबैक की यहाँ पे जरूरत है 1v1 में, देखा जाए 1v4 में भी यहाँ पे नहीं चले हैं, वहां पे भी एक भी राउंड नहीं निकाल पाए हैं, और अब सिचुएशन बेकार यहाँ पे हो चुकी है नेक्सर के लिए, और लीजिए एक और हेडशॉट यहाँ पे 5-1 बिल्कुल स्पीचलेस यहाँ पे कर दिया एंग्री ने। स्कोर हो चुका है 5-1 यहाँ पे, और मेरे को लग रहा है कि गाइस एमपी बॉडी लेके तो आए हैं, ये लास्ट राउंड भी यहाँ पे हो सकता है। यो वीगो नेक्स्ट सर थोड़ा सा पीछे आ चुके हैं, एंग्री बहुत सोच समझ के आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बट इसी बीच यहाँ पे मेरे हिसाब से डीगल का यूज कर सकते हैं, नेक्सर के पास अच्छा मौका है, ये सामने प्लेयर एमपी चला रहे हैं तो वो डीगल से शॉट्स यहाँ पे ले सकते हैं, बट बात नहीं बनेगी, और 6-1 से एंग्री इस गेम को फिनिश करेंगे, और देखा जाए तो बिल्कुल वन साइडेड हम लोगों को ये मैच यहाँ पे देखने के लिए मिला है, और एंग्री इस गेम को अपने नाम यहाँ पे करते हैं।